الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا अल्लाह ही आसमान और जमीन की पोशीदा बातों का जानने वाला है, वो तो दिल के भेदों से भी वाकिफ है। वही तो है जिसने तुमको जमीन में पहलों का जानशीन बनाया, तो जिसने कुफर किया उसके कुफर का जरर उसी को है, और काफरों के हक में उनके कुफर से परवरदिगार के यहां नाखुशी ही बढ़ती है, और काफरों के उनके कुफर का नुकसान ही ज्यादा होता है। भला तुमने अपने शरीकों को देखा जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे दिखाओ कि उन्होंने जमीन से कौन सी चीज पैदा की है, या बताओ कि आसमानों में उनकी शिरकत है, या हमने उनको किताब दी है तो उसकी सनद रखते हैं। इनमें से कोई बात भी नहीं बल्कि जालिम जो एक दूसरे को वादा फरेब है। अल्लाह ही ने आसमानों और जमीनों को थाम रखा है कि टल न जाए, और अगर वो टल जाए तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो उनको थाम सके। बिलाशबा वही बुर्दवार और बख्शने वाला है। سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز 22 پارے میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 سے 41 تک इस वक्त आप हज़रात के सामने तिलावत की है। पिछले जुमे के बयान में कुरान पाक की रोशनी में दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म और अकबर कबायर शिर्क की मजम्मत और तबाहत के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज की थी। ये बात भी बयान हुई कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को भी रब्बुल आलमीन ने मुखातब करके फरमा दिया, अगर ये जुर्म आपसे भी सरजद हो जाए बिलफर्ज तो आपकी अगली पिछली नेकियां सब बर्बाद हो जाएंगी।
पुराने क्रीम ने अटल कानून के तौर पर बार बार बयान फरमा दिया कि मुशरिक की मगफिरत नहीं होगी, शिर्क करने वाले पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर रखी है। इतनी वजाहत के बाद फिर दुनिया में किसी इंसान के लिए कोई न तो गलतफहमी की कोई शक्ल बाकी है और न ही शिर्क करने की कोई गुंजाइश। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि बड़ी तादाद ऐसे लोगों की अभी है इस दुनिया में जो इस बात को समझते ही नहीं कि शिर्क होता क्या है। बहुत से लोग कुफर के नाम से नफरत करते हैं मगर कुफर को नहीं जानते। शिर्क की बुराई उनके दिल में मौजूद है लेकिन शिर्क को जानते नहीं कि है क्या। बिदत के लफ्ज से वो बिदकते जरूर हैं लेकिन खुद बिदात के मुर्तकिब भी होते हैं क्योंकि जानते नहीं कि बिदत क्या चीज है। एक तरफ तो उनकी अपनी जाती बेहसी है कि समझने की कोशिश ही नहीं करते और दूसरी जानब मुआशरे का एक बदबख्त तबका ऐसा भी है कि जिन्होंने इरादतन दीदा दानिश्ता शिर्क और बिदत की लाइन पर इस उम्मत को चला रखा है। वो बदबख्त तो अपना काम करते ही हैं लेकिन हसास और बाशऊर और अकलमंद इंसान के लिए तो हर हाल ये लाजम है कि अपने फायदे और नुकसान को पहचाने कि किस चीज में मेरा फायदा है और किस में नुकसान है। ये बात बहरहाल अपनी जगह मुसलमात में से है। इस दुनिया में जिसने किसी को फायदे की बात बताई है वो दुश्मन करार दिया गया है और जिसने नुकसान के रास्ते पर चलाया है उसको लोग दोस्त ही समझते रहे। पहले भी ये बात रही और आज भी यही हालत है लेकिन इस सूरत हाल से परेशान होकर जो सच्चा हमदर्द है वो अपने मिशन और अपने प्रोग्राम से पीछे नहीं हटता। जिसने सच्ची बात कहनी है वो कहनी है चाहे सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, सारा आलम एक तरफ हो जाए, हक का आलम बरदार कभी भी अपने मौकफ से बाज नहीं रह सकता। हमारे पास सबसे बड़ी नियामत खुदा की कुरान पाक है। उसने हिदायत के रास्ते हम पर वाजे कर दिए, हक और बातिल की तमीज और पहचान करा दी है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान करीम को खोल कर देखें, इससे हक का रास्ता मालूम करें, उस पर चलना शुरू कर दें और बातिल की लाइन को मालूम करके उससे इज्तिनाब करने की कोशिश करें। लेकिन शायद हमने ये समझ रखा है कि हम तो सिर्फ दुनिया में कमाने के लिए और ऐश इशरत करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारी जिंदगी का दूसरा कोई मकसद नहीं। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी का ये मकसद समझता है तो उसमें और एक काफिर में कोई फर्क नहीं, उसमें और एक हैवान और जानवर में कोई फर्क नहीं। एक मुसलमान उसकी जिंदगी काफिर से मुमताज है, एक इंसान उसकी हयात काफिर से बिल्कुल एक हैवान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तमाम हैवानात को बल्कि जमीन और आसमान की सारी कायनात को अल्लाह ने इंसान की खिदमत में जो लगा रखा है इसलिए लगा रखा है कि इंसान की ड्यूटी बहुत ऊंची है, इसकी जिम्मेदारियां बहुत बुलंद हैं। अपनी जिम्मेदारी को पहचानने वाला इंसान तो मखदूम खलायक बनने का हकदार है और जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं पहचानता वो जंगल के सुअरों से भी बदतर है और कुरान करीम इस बात की शहादत देता है। जिम्मेदारी वही है जो कुरान करीम में अल्लाह के पाक पैगंबर की जबान से बयान हो चुकी और तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अपने अपने दौर के अंदर बयान फरमाते रहे। बहरहाल जो सबसे ज्यादा खतरे की चीज है उससे बचना तो अज़हद जरूरी है। इस वास्ते दीन का जो दाई और दीन का जो मुबल्लिग होगा उसको सरे फहरिस्त वो बात रखनी होगी कि जिससे उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान होता है। नुकसान से बचाने की फिक्र करना हर मुसलमान का ये फर्ज है और उम्मत के हुकूक जो इसके ऊपर आयद होते हैं उनकी बजा आवरी इसी में है कि उनको बरवक्त तंबीह कर दी जाए कि यह खतरे वाली चीज है, इससे बचकर। आज की गुफ्तगू में मैं कोशिश ये करूंगा कि आप हजरात को शिर्क की हकीकत समझाऊं कि होती क्या है। शिर्क किसी जानवर का नाम नहीं है जो सामने हमें दिखाई दे
जानवर की शक्ल सूरत वाला या किसी इंसान का नाम नहीं है जो इंसान के रूप में हमारे सामने खड़ा। शिर्क एक तसव्वुर है, एक नजरिया है, एक अकीदा है, जो हर जमाने में जिस जिस फर्द में या जिस जमात के अंदर आया वो कौम मुशरिक कहलाई, वो फर्द मुशरिक कहलाया। आज भी अगर वही अकीदा और वही तसव्वुर और वही नजरिया किसी भी इंसान में, किसी मुल्क के बाशिंदों में आ जाएगा तो खुदा का कानून जो हजारों साल पहले था आज भी उस कौम के लिए वही हो। हम धक्के से अपने आप को शिर्क के मुर्तकिब होकर मुसलमान कहलाने की कोशिश करें तो खुदा के काबू में बहरहाल हम मुसलमान बन नहीं सकते। अल्लाह पर किसी का जोर चल नहीं सकता कि जबरदस्ती हम अल्लाह के रजिस्टर में अपने आप को मुसलमानों की फहरिस्त में लिखवा सके। बात है साफ, संजीदगी के साथ इस दुनिया की जिंदगी में जो चंद लम्हात किसी इंसान को अल्लाह पाक ने अता फरमाए उसके अंदर सोचना होगा अपने फायदे और नुकसान को। और कुरान करीम ने हमारे सामने शराह हिदायत वाजे कर दी है, इसलिए हमारे लिए अल्लाह के दरबार में उज्र माजरत की भी कोई गुंजाइश नहीं होगी। या अल्लाह हमें पता नहीं, ये भी नहीं कह सकें कि समझाने वाला कोई नहीं आया। समझाने वाले भी हर जमाने में आए और समझाने वाली किताब भी हमारे सामने मौजूद है और सुबह क़यामत तक रहेगी। मैं सबसे पहले तो अपने अल्फाज मेरे होंगे, मफहूम और मुराद वही होगी जो किताब सुन्नत से उलमाए उम्मत ने अख़्ज़ की, और उसके बाद उस पर बतौर शहादत इमामुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की मारूफ किताब और दुनिया की बेनज़ीर किताब हुज्जतुल्लाह अल बालगा से बतौर हवाला भी दलील पेश करूँ। शिर्क क्या है? लफ्जी माना है इसका हिस्सा। दो आदमी किसी काम में शरीक हों कहते हैं हिस्सादार है। शराकत वाला कारोबार हिस्सेदारी वाला कारोबार कहलाता है। लुगवी माने के एतबार से शिर्क का माना है हिस्सा, और पुराने करीम में इसी माने में इस्तेमाल हुआ है। अभी जो आयात आपके सामने पड़ी थी उनमें भी एक लफ्ज आया है, قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات। आखिरी जुमले में लफ्ज शिर्क आया और ये उस लुगवी माने में इस्तेमाल हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया। इनसे पूछिए मुझे दिखाओ अपने उन कारसाजों और हाजत रवाओं को जिनके बारे में तुम समझते हो कि हमारी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई उनके इख्तियार में है, जरा सामने तो लाओ। अल्लज़ीन तदउन मिन दूनिल्लाह, जिनको मुख्तार और कारसाज समझकर तुम अपने हाजतों में दूर और नजदीक से पुकारा करते हो, जरा उनको सामने लाओ। अरूनी मादा खलकू मिनल अर्ज़, जरा वो सामने आकर बताएं जमीन में से कौन सी चीज उन्होंने बनाई है। कोई एक जर्रा उन्होंने बनाया हो, कोई दरख्त उन्होंने पैदा किया हो, या उसकी शाख पर एक पत्ता ही पैदा कर दिया हो। अरूनी मादा खलकू मिनल अर्ज़, इस जमीन में उनकी तखलीक का कोई शाहकार मौजूद हो वो मेरे सामने लाकर पेश करें। अम लहुम शिर्कुन फिस समावात, या आसमानों में आसमानों के पैदा करने में उन्होंने कोई हिस्सा डाला हो। शिर्कुन फिस समावात लफ्ज शिर्क लुगवी माने में आ गया पुराने करीम में, और कई मकामात में ऐसा आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में दुआ मांगी थी,
واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي, मेरे परवरदिगार मेरे घराने में से किसी आदमी को मेरा हमदर्द बना दे, मेरा साथी बना दे, मेरा हाथ बटाने वाला बना दे. वजीरम मिन अहली, एक वजीर मेरे खानदान में से. वजीर बोझ को कहते हैं, वजीरन बोझ उठाने वाला. वजीर का यही मान होता है कि हाकिम वक्त का बोझ बांटने वाला, तकसीम करने वाला. हारून अखी, जो हारून है मेरे भाई. उश्दुद बिही अजरी, या अल्लाह मेरे भाई के जरिए से मेरी कमर को मजबूत फरमा. व अशरिक होफी अमरी, अशरिक होफी अमरी, उसको मेरे मामले में शरीक फरमा दे, हिस्सादार बना दे. यानी मुझे अल्लाह तूने नबुवत से सरफराज फरमाया है, उन्हें भी नबुवत अता फरमा ताकि मेरा काम मेरे साथ मिलकर चला सके. अशरिक होफी अमरी, यहां भी लुफी माने में उसको शरीक कर दे मेरे काम में, मेरा हिस्सादार बना दे. लुफी माना शिर्क का है हिस्सा, यह तो आपको मालूम हो गया. शरी इस्तिला में शरीयत इस्लामिया में शिर्क नाम है अल्लाह के साथ उसकी जात में या उसकी सिफात में या उसके हुकूक में या उसके इख्तियारात में किसी को भी हिस्सादार बना दिया जाए. इतने आसान लफ्जों में भी अगर किसी को ना समझ में आएगी तो मैं नहीं समझता कि फिर इस जमीन और आसमान में कोई और तरीका उसको समझाने का हो सकता. मैंने बिल्कुल नचोड़ निकालकर आप हजरात के सामने पेश किया, अल्लाह की जात में उसकी सिफात में जितनी भी सिफात, सिफात से मुराद उसके सारे कमालात, उसके हुकूक में जो जो उसके हक हैं. हक उसी का नाम होता है कि जो उसी को दिया जाए, जिसका वो हकदार बनता है, गैर को नहीं दिया जा सकता. किसी का हक गैर को देना जुल्म है, अल्लाह का हक भी गैर को देना जुल्म है. इसी को कुरान ने कहा, इन शिर्क ला जुल्म नाज़िम, कि अल्लाह के साथ उसके हुकूक या इख्तियारात में किसी को हिस्सादार बना देना ये शिर्क है. इन शिर्क ला जुल्म नाज़िम, ये बहुत बड़ा जुल्म है. उसकी जात में इन बातों को ज़हन नशीन फरमा लें. सुनने सुनाने का यही मकसद होता है कि इंसान सीखता है. दुनिया में इल्म पढ़ने वाले, उलमा से सीखने वाले, वो उनको किसी प्याले में कोई चीज घोल कर नहीं पिलाया करते, वो मुंह से बोलते हैं, सुनने वाले कानों के रास्ते से अपने दिलो दिमाग में उतारा करते हैं. मेरी यही इल्तिजा है आप हजरात से कि इन बातों को अपने दिल की तख्ती पर मुनक्कश कर लें, लिख लें ताकि जिंदगी में काम आए और खुदा के मखलूक के जो हुकूक आपकी गर्दन पर आयद होते हैं उसको कदम ब कदम आपको अदा करते चले जाए. कम से कम दर्जे में हर इंसान पर उसके घर की चार दीवारी में उसकी बीवी का हक, उसकी बेटी का हक, उसके बेटे का हक, उसके मुलाजिम का हक आयद होता. वो अगर शिर्क पर रहा, खुदा के यहां ये मुजरिम होगा अगर उसको बात नहीं समझाई. पूरा इत्मीनान हुज्जत कर लेने के बाद, समझा देने के बाद अगर वो शिर्क करेगा तो फिर वह इंदल्ला बरी जिम्मा है बाप. फिर उसका मामला वो नूह अलैहिस्सलाम वाला हो जाएगा कि बेटे को भी समझाया और पूरी कौम को समझाया, कौम के भी मुशरिक नहीं माने और बेटा मुशरिक भी नहीं माना. लेकिन समझाना बहरहाल फर्ज है, ये तो पता चल जाएगा कि समझाया कि नहीं समझाया. खुदा के यहां रिकॉर्ड सब मौजूद. फिर कहता हूं, अल्लाह की जात में किसी को हिस्सादार बनाया जाए, यानी अल्लाह के मुकाबले में किसी और को अल्लाह मान लिया जाए, ये अल्लाह की जात में शिर्क है. आसान लफ्ज़ समझो, अल्लाह की सिफात में किसी को हिस्सादार समझा जाए. उसकी बेशुमार सिफात हैं, 99 नाम आप अल्लाह जल्ला शानहु के पढ़ते हैं किताबों में, अस्माए हुस्ना, जिनके बारे में हदीसों में आता है कि जो याद कर लेता है, और याद करने का माना यह है कि जो कुछ उसने याद किया है वो दिलो दिमाग में उतर जाए,
उसके मुताबिक उसकी सारी जिंदगी गुजरे अकीदा हो, दखल जन्नत, वो सीधा जन्नत में जाएगा। अभी कुछ झलकियां भी उसकी बताता हूं कि सिफात इलाहिया क्या है। नंबर तीन, उसके हुकूक में, उसके हुकूक हैं जिस तरह इंसान अपने हक समझता है कि मेरे हुकूक हैं, इस तरह अल्लाह के भी हुकूक हैं। जिसको दूसरे लफ्ज में आप इबादत कहते हैं, इबादत अल्लाह ही का हक है, और इबादत की जो किस्म भी होगी वो अल्लाह ही के लिए होगी। जब अल्लाह का हक है इबादत, तो इबादत की हर किस्म फिर अल्लाह ही के लिए होनी चाहिए। अब इबादत की हर किस्म जो अल्लाह ही का हक है, उसकी उसमें से किसी एक किस्म में किसी दूसरे को हिस्सादार बना लेगा तो गोया कि अल्लाह के हुकूक में किसी को शरीक ठहरा लिया गया, हुकूक में हिस्सादार बना लिया गया तो मुशरिक बन गया। मिसाल के तौर पर नमाज सरे फरिस तमाम इबादात में से बड़ी इबादत कहलाती है, जिसके लिए आप यहां जमा, अल्लाह का हक है। नमाज की हालतें मुख्तलिफ हैं, एक हालत में इंसान हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है, कयाम की हालत है, दूसरी हालत है रुकू की शक्ल में झुक जाना, तीसरी हालत है सजदा करना, चौथी हालत है दोजानों बैठ जाना। तो चार खड़ा है हाथ बांधकर, यह भी ताजीम की शक्ल, रुकू में झुका यह भी अल्लाह की ताजीम की शक्ल, सजदे में पेशानी रखी यह अल्लाह की ताजीम की एक शक्ल है, और दोजानू होकर बैठ गया गर्दन झुकाकर यह भी अल्लाह की ताजीम की शक्ल। नमाज अल्लाह का हक है यानी यह इबादत है, तो नमाज के अंदर जो कयाम है गोया इस हाल में अल्लाह का हक है। हाथ बांध कर किसी के सामने खड़ा होना अल्लाह के सिवा किसी के गैर के लिए जायज नहीं, गैर के लिए होगा तो ये शिर्क बन जाएगा। झुकना रुकू की शक्ल में अल्लाह के सिवा किसी गैर का हक नहीं बन सकता, सिर्फ अल्लाह का हक है, गैर के लिए करेगा तो शिर्क हो जाएगा। सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है, अल्लाह के सिवा किसी गैर का हक नहीं, गैर के लिए करेगा तो शिर्क हो। ऐसे ही दोजानों बैठ जाना उस ताजीम के तसव्वुर से जो अल्लाह की है, वो अल्लाह ही का हक है, उसके सिवा किसी गैर के लिए जायज नहीं। रोजा एक इबादत है, भूख और प्यास उसमें बर्दाश्त की जाती है, सिर्फ इस नजरिए के साथ कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरी हालत उसे मालूम है, मेरे इस अमल से खुदा राजी हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसका बंदा क्या कर रहा है, इस वास्ते वो खुश हो रहा है, मैं उसको खुश करने के लिए भूख प्यास बर्दाश्त करता हूं। यह अल्लाह का हक है, अल्लाह के सिवा किसी गैर के लिए भूख प्यास बर्दाश्त नहीं की जा सकती बेशक रोजा। गोया रोजा अल्लाह के नाम पर जायज है, गैर के नाम पर रोजा जायज नहीं। ज़कात एक इबादत है, अल्लाह का दिया हुआ माल, वो महबूब माल जो इंसान ने खून पसीने कमाई जमा की है, उसमें से एक मिकदार खुदा के नाम पर निकालता है, इस ख्याल से कि मेरा रब देख रहा है, उसको पता है, मेरे हाल को भी जानता है, मेरे माल को भी जानता है, उसमें जो मिकदार उसकी रजा के लिए निकाली उसे भी जानता है, उसकी खुशनुदी की खातिर वो खर्च कर देता है। अपने माल में से किसी और की खुशनुदी के लिए हिस्सा निकालना सिवाय खुदा किसी गैर के लिए जायज नहीं, अगर करेगा तो यह शिर्क होगा। एतिकाफ एक इबादत है, अल्लाह के दरवाजे पर जाकर बैठ जाता है इस अकीदे से, इस नजरिए के साथ कि मेरा रब मुझे देख रहा है, उसके दरवाजे पर आकर बैठ गया हूं, कभी तो उसकी निगाह इल्तिफात पड़ेगी, मुझे माफ कर ही देगा, देख तो हर हाल में रहा है, लेकिन किसी वक्त उसका रहम करम मुझ पर मुतवज्जे हो जाएगा, हूं तो मैं करूंगा, माफ कर ही देगा। वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर कारोबार से, मियां भी औरत से, बच्चों से, सबसे इंसान कता तलगी करके खुदा के दरवाजे पर आकर बैठ जाता है कि या अल्लाह अब मैं तेरे दरवाजे पर आकर बैठ गया, गुनाहों के माफी के लिए, मगफिरत के लिए। यह इबादत है, इस तसव्वुर के साथ किसी गैर के दर पर बैठना और गैर की खुशनुदी हासिल करना यही शिर्क हो जाएगा। हज एक इबादत है, उसकी मर्जी के मुताबिक सिला हुआ लिबास उतार कर
कफन पहनकर इंसान घर से निकलता, अनसिला लिबास, उसकी मर्जी ऐसी है। बादशाह है, सारी जहान का, सारे आलम का बादशाह है, अगर उसने हज करना है तो उसको भी कफन पहनकर चलना होगा, उसके लिए कोई इम्तियाज नहीं, कोई नहीं। एक गधा को भी उसी हाल में चलना है और शाह को भी उसी हाल में चलना है, वहां कोई तमीज नहीं होगी कि ये बादशाह है और ये फकीर है। एक लाइन में खड़े होंगे, एक लाइन में तवाफ करेंगे। वहां जाकर फेरे लगाने हैं, कितने लगाने हैं मालिक की मर्जी है। ये सारा अमल अव्वल से आखिर तक खुदा की खुशनुदी और उसकी रजा की खातिर होता है, ये गैर के लिए करेगा। अल्लाह का दरवाजा का तवाफ दीन, गैर की कब्र का, किसी दर का, किसी घर का तवाफ करेगा तो शिर्क बन जाएगा। माल खुदा का दिया है, रिज़्क खुदा का दिया हुआ है, उसमें से नजर नियाज अल्लाह के नाम की निकालेगा कि उसका हक है। माल उसी का है, उसी के नाम पर खर्च कर सकता है, अगर गैर के नाम पर निकालेगा तो शिर्क बनेगा। ये मोटी मोटी सी बातें मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दी, ये अल्लाह के हुकूक हैं जो उसी के लिए हैं, गैर को नहीं दिए जा सकते। इन हुकूक में से किसी हक के अंदर भी गैर को हिस्सादार बनाएगा तो वो मुशरिक बनेगा, और उसका वही हुक्म होगा जो कुरान करीम बयान करता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हरम अल्लाह अलैहिल जन्नत, उस पर खुदा ने जन्नत हराम कर दी। उसमें ना मेरी तख्सीस है, ना आपकी तख्सीस है, ना किसी शाह की है, ना गदा की, ना तबंगर की, ना बेनवा की, ना मशरक वाले की, ना मगरब वाले की, ना अरब वाले की, ना अजम वाले की। हत्ता के नबियों को भी खिताब करके फरमाया, ला इन अशरकत ला यहबतन अमलक, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी अगर शिर्क कर लिया तो ला यहबतन अमलक, आपके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। इन चार बातों को ज़हन नशीन फरमा ले, अल्लाह की जात में अगर कोई किसी को हिस्सादार बनाता है मुशरिक है, उसकी सिफात में किसी को हिस्सादार बनाता है मुशरिक है। क्या सिफत है उसकी? उसकी सिफत यह है कि वो सुनता है और वो जानता है। एक सिफत, वो सुनता है हर एक की दूर और नजदीक से, आसमान वालों की भी सुनता है और दरमियान वालों की भी सुनता है और जमीन वालों की भी सुनता है और तख्त सरा वालों की भी सुनता है। आसमान वालों के हालात से भी बाखबर है और जमीन वालों के हालात से बाखबर है और समंदर वालों के हालात से बाखबर है और जमीन के तह वालों के हालात से बाखबर है। एक लम्हे में वो जो आसमान के ऊपर वालों को देख रहा है, ठीक उसी हालत के अंदर बराबर सराबर पूरी कायनात पर उसकी पूरी नजर है। मैं और आप एक वक्त में एक तरफ देख सकते हैं, दूसरी तरफ हमसे नहीं देखी जाती, मगर उसका देखना सारी कायनात के लिए बराबर सराबर है। मैं और आप एक वक्त में एक ही बात को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन दूसरी की बात वो बोलता रहे हमें पता नहीं चलेगा क्या उसने कहा क्या ना कहा। वो आने वाहद में सारी कायनात की पुकारों को सुनता है और पूरी तमीज के साथ उनको पहचानता है। उसके सुनने और उसके देखने में और उसके जानने में और मखलूक के सुनने देखने जानने में इतना बड़ा फर्क है। उसने बनाया है सब कुछ, जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको, आपकी नजर के अंदर जो कुछ आ रहा है वो सब उसी का बनाया है। जिधर निगाह दौड़ाओगे वो खुदा की मखलूक नजर आएगी आप, जहां जहां आपकी निगाह पड़ती है अल्लाह के सिवा किसी और के मखलूक नहीं। और कुरान ने चैलेंज देकर बता दिया, अरूनी माजा खलकू मिनल अर्ज अम लहुम शिर्कुन फिस समावात, दिखाओ उन बड़ों बड़ों को लाकर पेश करो कि जमीन में क्या उन्होंने बनाया और आसमान में क्या बनाया। जाहिर बात है कि किसी ने एक जर्रा भी नहीं बनाया। जितने बड़े बड़े हैं, पहले हो चुके या आइंदा होंगे, आसमान वाले हैं या जमीन वाले, जिब्रील अमीन जैसा अजीम ताकत का मालिक फरिश्ता जो है उसने एक जर्रा भी नहीं बनाया। जिसको ताकत खुदा ने इतने दी है कि वो आने वाहिद में जमीन को जैर जबर कर सकता है अल्लाह की कुदरत के साथ। लेकिन जहां तक इख्तियारात का मामला है, इख्तियार अल्लाह ने इतना भी नहीं दिया जिसे एक जर्रा बना सके। और ये बात कहां लिखी है? ये कुरान करीम में। अपने तरफ से कहना बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसा
मामले में अपनी तरफ से कोई बात कहना इतना बड़ा जुर्म है जैसा कि शिर्क करना बड़ा जुर्म। लेकिन कुरान करीम में लिखा है, कहां लिखा है? हर जगह लिखा है, मगर नमूने के तौर पर एक बात, 17वें पारे में सूरह हज का आखिरी रुकू शुरू होता है। हवाला देना मेरा काम है, अपनी जगह जाकर कुरान करीम को पढ़ लेना आपका काम। ये कोई ढकोसले नहीं सुना रहा मैं, हीर रांझे की कहानियां और अफसाने नहीं सुना रहा, इसके लिए और बहुत से हैं। मेरे रब ने मुझ पर यह कर्म किया है कि अपनी किताब से मुझे आगाही और शनासाई अता फरमाई, और यह अल्लाह की इतनी बड़ी नियामत है कि जमीन के चप्पे चप्पे पर अगर हम अपने सर को रगड़कर खुदा के सामने सर बसजदा हो तो इसका शुक्र अदा नहीं हो सकता। या यूहन्नास, आप भी सुने और अपनी जगह जाकर पढ़े कुरान। या यूहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह, सारी दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों, पूरी रूए जमीन पर बसने वाले इंसानों, जरा कान इस तरफ मुतवज्जे कर दो, ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह, तुम्हारे समझाने के लिए, तुम्हारी हिदायत के लिए एक मिसाल बयान की जाती है, गौर से सुनो। रब्बे कायनात के समझाने पर कुर्बान जाएं, किसी एक मुल्क और एक इलाके के बाशिंदों को खिताब नहीं फरमाया, क्योंकि दीन अल्लाह ने पूरी दुनिया और पूरी कायनात के लिए भेजा है और पूरी दुनिया की हिदायत का सामान बनाया है। ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह, तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान करता हूं, जरा गौर से सुनो। फरमाया, इन्नल्लज़ीन तदउन मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह, वो बात जो तुम्हारे समझाने के लिए बयान कर रहा हूं वो ये, जिन जिन को तुम अल्लाह के सिवा ये समझते हो कि वो कुछ कर सकते हैं, अल्लाह के सिवा जिन जिन के बारे में तुमने कोई नजरिया कायम कर रखा है कि वो कुछ कर सकते हैं, कोई फायदे वाला काम कर सकते हैं या नुकसान वाला, किसी को इज्जत दे सकते हैं या जिल्लत से बचा सकते हैं, कोई नफा दे सकते हैं या नुकसान में मुबतला कर सकते हैं, किसी को औलाद दे सकते हैं, किसी की रोजी में इजाफा कर सकते हैं। अगर तुम में से किसी इंसान ने किसी के बारे में ये नुक्ता नजर कायम कर लिया है तो वो गौर से सुने, उसको समझाने के लिए हम मिसाल बयान कर रहे हैं। इन्नल्लज़ीन तदउन मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकू ज़ुबाबा, जिन जिन को तुम खुदा के सिवा पुकारते हो अपनी नहाजात मुश्किलात में, मैं ऐलान करता हूं वो तो मेरे निजाम आलम में इतने बे इख्तियार और बेबस हैं, लन यखलुकू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी भी नहीं बना सकेंगे। चीजों के बारे में समझ रखा है कि वो कर सकते हैं, बड़े बड़े इख्तियारात का मालिक तुमने सोच रखा है, मेरे निजाम आलम में वो इतने बेबस और बेख्तियार हैं कि एक मक्खी भी नहीं बना सकेंगे। लन यखलुकू ज़ुबाबन, ज़ुबाबन के ऊपर दो ज़बरें तनवीन के लिए, अरे लोगों बड़ी मक्खी मुराद नहीं, बहुत छोटी सी मक्खी भी नहीं बना सकते। ये तनवीन जो है इल्मी इस्तिलाह में कई मानों में इस्तेमाल होती है, तहकीर के लिए भी आती है, ताजीम के लिए भी आती है, तकलील के लिए भी आती है, तकसीर के लिए भी आती है, यहां तहकीर मुराद है। बहुत छोटी सी मक्खी जो बमुश्किल आंख से दिखाई दे वो नहीं बना सकेंगे।
सकेंगे। है तो बज़ाहिर मामूली सा काम, चलो हम मान लेते हैं परवरदिगार तेरे फरमान को कि मक्खी नहीं बना सकते, लेकिन एक नहीं बना सकेगा, दो चार तो मिलकर बना लेंगे। अल्लाह ने फरमाए नहीं नहीं ये बात गलत है, लन यखलुकू ज़ुबाबन वला इज्तमउला, मक्खी नहीं पैदा कर सकते सारी दुनिया के अगले पिछले जमीन और आसमान वाले जिंदा मुर्दा इकट्ठे हो जाएं तब भी नहीं बना सकेंगे। अरे तुम बड़े धोखे में मुबतला हो, गलत फहमी का शिकार बन चुके हो, तुमको पता नहीं किसने गलत लाइन पर डाल रखा है, तुमने खुदा की कुदरत को महदूद समझ रखा है। आसमानों जमीन के पैदा करने वाले की कुदरत को तुमने पता नहीं क्या समझ रखा है, वो तो मेरे निजाम आलम में इतने बेख्तियार और बेबस हैं, चाहे वो पहले हों या पिछले, आसमान के ऊपर वाले हों या जमीन के ऊपर वाले, या दरमियानी फिजाओं वाले हों या समुद्रों वाले, जमीन में दफन हो चुकने वाले हों या अभी आइंदा किसी जमाने में आने वाले। वो तो इतने बेख्तियार मैंने बनाए कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन कर ले जाए, अगर वो खुद खाना खाने के लिए बैठे, मक्खी उड़ती हुई आकर उनके खाने में से कोई जर्रा उठाकर भाग जाए, या अगर वो दुनिया से चले गए और तुमने अपने गलत नजरिए की बिना पर उनके नाम के चढ़ावे चढ़ाए या नियाजें पकाई और देगे चढ़ाकर वहां ले जाकर तकसीम करने लगे उनके नाम की, उड़ती हुई एक मक्खी आई उसमें से चावल का एक दाना उठाकर भाग गई। फरमाए यस्लुबहुम ज़ुबाबु शैयन ला यस्तन्क़िज़ुहु मिन्हु, मक्खी अगर उनसे कोई चीज छीन कर भाग जाए सारे मिलकर उससे छीन भी ना सकेंगे छुड़ा भी ना सकेंगे। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ गई है तो इस बात को भी फिर मान लो, ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, इस दुनिया में मेरे सिवा जो किसी को पुकारता है उसकी पुकार भी बोधी और कमजोर है, जिसको पुकारा जा रहा है मेरे सिवा वो भी बोधा और कमजोर है। आगे बढ़कर कुरान कहता है मा कदरुल्लाह हक्क कदरी, बड़े अफसोस की बात है इन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जैसा कि कदर करने का हक था। मेरी ताकत का ये आलम है कि जमीन भी मैंने बनाई और सातों आसमान भी मैंने बनाए, मेरे इस निजाम के अंदर आसमान और जमीन वाला कोई मेरा हिस्सादार और शरीक नहीं था। لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ, लोगो ये तो बताओ आसमानों का पैदा करना या जमीनों का पैदा करना ज्यादा मुश्किल काम है या एक इंसान का पैदा करना ज्यादा मुश्किल काम है। अगर मेरी ताकत इतनी बड़ी है कि आसमानों को बना सकता हूं और जमीनों को बना सकता हूं, कलमाएं कौन से पैदा कर सकता हूं सारे निजाम आलम को, तो तुम में से किसी को कोई बच्चा दरकार हो तो मेरे दरवाजे से मुंह मोड़कर मेरी कुदरत से मायूस होकर उनके दरवाजे पर जाए जिनके पास जर्रा बराबर कोई इख्तियार नहीं। मैं आसमान और जमीन का पैदा कर सकता हूं तो तुम्हें 6 पाउंड का, 8 पाउंड का, 10 पाउंड का बच्चा क्यों नहीं दे सकता। अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो मेरे पैगंबर का हाल देख लो, ज़करिया अलैहिस्सलाम का, मैंने अपने सारे नबियों के साथ वो मुआमलात किए आने वाले जमाने में लोगों को समझाने के लिए। एक नबी को बीमार कर दिया और उसके बाद ये बताया कि नबी ने अपनी हलालत और बीमारी में हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है, किसी नबी की कब्र पर किसी नबी के दर पर जाकर उससे शिफा नहीं मांगी।
मैंने अपने नबी को बे औलाद बना दिया, जब औलाद मांगने की जरूरत आई तो चुपके चुपके हमारे दरवाजे पर उसने दस्तक दी। अपने से पहले किसी नबी की कब्र पर, किसी नबी के दरवाजे और मजार पर जाकर उसने औलाद नहीं मांगी। नबियों के हालात से तुम्हें सबक सीखना चाहिए कि अगर वो बीमार हों तो उनको बीमारी में शिफा देने वाला भी मैं, अगर वो औलाद मांगने वाले हों तो उनको औलाद देने वाला भी मैं। एक नबी ऐसी मुश्किल में मुबतला हुआ कि समंदर के अंदर मछली के पेट में चला गया। इस दुनिया में ऐसा दूसरा कोई इंसान नहीं जो इस तरह की सूरत हाल से दो चार हुआ हो, ऐसी मुश्किल से दो चार हुआ हो। मैंने तो दुनिया के सामने अपनी कुदरत के ये नमूने भी पेश कर दिए। वज़न्नून इज़्ज़ाब मुगाज़िबन फज़न्न अल्लन नक़दिर अलैह। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के शिर्क के इर्तिकाब करने से नाराज होकर घर से निकल खड़े हुए। नबी ने समझाया, कौम ने नहीं माना, नाराज होकर घर से चले गए कि तुम पर खुदा का अज़ाब आने वाला है, लेकिन निकलने की इजाजत हमसे नहीं ली थी। बस इतनी ही बात हो गई, इतनी सी बात हो गई। फजन्ना लन नक़दिर अलैह, शायद ये समझा है कि इस निकलने पर हम में से कोई, हमारी तरफ से कोई मुआवजा ना होगा, दारोगीर ना होगी। चलते चलते समुद्री सफर दरपेश था, कश्ती में सवार हुए, कश्ती डूबने लगी। कश्ती वाले कहने लगे, कोई गुनाहगार आ गया है, उसके गुनाहों की शाम से हम पर ये मुसीबत आ रही है। कुरान दाजी की गई, फसाहमा कुरान कहता है, कोई कहानी नहीं सुना मेरे दोस्तों, कुरान के अंदर से बात करूं। फसाहमा फकाना मिनल मुदहजीन, कौन ऐसा है जो इतराफ कर सकता है कि मैं मुजरिम हूं। बिलाखिर फैसला हुआ कि कुरान दाजी करें। कश्ती को डूबने से बचाने की वाहिद तदबीर ये, कुरान दाजी कर लो, जिसके नाम पर कुरान के उसको समुद्र में फेंक दो। जब कुरान दाजी की गई, यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर निकला। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यूनुस अलैहिस्सलाम मुजरिम नहीं थे, माज़ अल्लाह, सिर्फ एक आजमाइश और इम्तिहान था खुदा की तरफ से कि अल्लाह की मर्जी और इजाजत लिए बगैर कौम को छोड़कर खड़े चल निकले थे। इतनी सी बात थी, कुरान के नाम पर निकला, अल्लाह की मर्जी समझकर खुद ही कूद गए समुद्र में। नबी कश्ती के अंदर मौजूद, कश्ती डूब रही है, नबी कश्ती से बाहर निकला, कश्ती पार हो गई। ये बात भी समझ लो, समझने वालों, अल्लाह को, अल्लाह सबको समझता फरमाए, बेड़े पार करने वाला अल्लाह के सिवा कोई और नहीं। हाँ, ना कोई बहाउल हक भेड़ा धक, ना हजरत बहाउल हक जकरिया मुल्तानी किसी के बेड़े पार कर सकते हैं, ना शेख अब्दुल कादर जीलानी किसी के बेड़े पार कर सकते हैं। ये सारे दुनिया के वली इकट्ठे होकर अल्लाह के किसी नबी के अदना खादम बनने के काबिल हैं। सारे अगले पिछले वली अल्लाह के नबियों के मुकाबले में खादम की हैसियत रखते हैं, अदना गुलाम की हैसियत रखते हैं। अल्लाह का सच्चा नबी कश्ती के अंदर मौजूद है, लेकिन कश्ती डूबने पर आ गई, मजबूरन बाहर निकालना पड़ा। नबी कश्ती से बाहर, कश्ती पार हो गई। समझा दिया रब्बुल आलमीन ने, कश्तियों का पार करना, बेड़े तारना या बेड़े डुबोना, यह परवरदिगार आलम का काम है। और कुरान करीम ने आगे बढ़कर यह बात कह दी, पैगंबर ने समुद्र में छलांग लगाई, हमारा हुक्म मौजूद था, मछली को तैयार खड़ी हो जाओ। सारी कायनात के अंदर बसने वाली जितनी मखलूक है सिवा नाफरमान इंसानों के, सारी की सारी खुदा की फौज है। कुरान कहता है, वमा यालम जुनूद रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब के लश्कर को उसके सिवा कोई जानने वाला नहीं, सब खुदा का लश्कर है। जिस तरह दुनिया में किसी जर्नेल के हुक्म पाते हुए सारा लश्कर
तैयार खड़ा होता है अल्लाह की फौज का एक सिपाही। मछली तैयार खड़ी थी मुंह खोले हुए, मैं अपने नबी को भेज रहा हूं कुछ अरसे के लिए तेरे पेट में रहेगा, निगलने के लिए खड़ी होती। यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में जब छलांग लगाते मछली ने उनको निगल लिया, खुदा का पैगंबर मछली के पेट में पहुंच गया। कितनी बड़ी मछली होगी मेरे दोस्त, अंदर पहुंचकर यूनुस अलैहिस्सलाम समझते थे कि यहां पर मेरे हालात को दुनिया वाला कोई नहीं जानता। चीखना चिल्लाना चाहूं तो मेरी पुकार को कोई सुन न सकेगा, मेरी फरियाद को कोई पहुंच न सकेगा। दुनिया भर की हुकूमतें अपने फौज और लश्कर और नेवी की फौज को लेकर आए, इस मछली को भी तलाश न कर सकेंगी। समझते थे पैगंबर बजा तौर पर इस बात को समझते थे, इस वास्ते नबी ने उसी हिदायत और उस पढ़े हुए सबक के मुताबिक जो अल्लाह ने उनको पढ़ाया था दुनिया में किसी को पुकारना नहीं शुरू किया, सिर्फ एक ही दरवाजे पर दस्तक देना शुरू की। क्या कहा? कुरान कहता है फनादा फिज़ुलुमात, पुकारा यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन अंधेरों में, रात का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, कई अंधेरों में खुदा का नबी पहुंच गया। वहां पुकारते अल्लाह इलाहा इल्ला अंता, ये पुकार है। फनादा फिज़ुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंता, अंधेरों में पुकारा यूनुस अलैहिस्सलाम ने, ए मुश्किल कुशा तेरे सिवा मेरी इस मुश्किल को दूर करने वाला कोई नहीं, इस मुश्किल को दूर करने वाला कोई नहीं, यहां तो मेरे हालात के जानने वाला भी कोई नहीं, मेरी पुकार को सुनने वाला भी तेरे सिवा कोई नहीं। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, या अल्लाह अगर कोई लफ्ज़िश हो गई है, कोताही हुई है तो मुझसे ही है, मैं इतराफ करता हूं। कुरान कहता है फस्तजबना लहू, यूनुस अलैहिस्सलाम की जुबान से निकलने वाली पुकार को हमने फौरन कबूल कर लिया। फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम, हमने पुकार को कबूल कर लिया और सुन लिया, और यूनुस अलैहिस्सलाम को हमने उस गम से बाहर निकाल दिया, निजात दे दी। वह कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हमारा कानून और ज़ाब्ता, हमारा कानून, हमारा ज़ाब्ता हमेशा हमेशा के लिए यह है, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ था, आने वाले जमाने में भी कोई मुश्किल से दो चार होकर हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। वह कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, ऐसे ईमान वालों को हमेशा यूं ही निजात दिया करेंगे। है तो आए तो कोई सही, तुमको शिकवा है हमारा मुद्दा मिलता नहीं, तुमको शिकवा है हमारा मुद्दा मिलता नहीं, देने वाले को गिला है कि गधा मिलता नहीं। इकबाल ने यही कहा, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं, तुमको शिकवाए हमारा मुद्दा मिलता नहीं, देने वाले को गिला है कि गदा मिलता नहीं। बेनियाजी देखकर बंदे की कहता है करीम, देने वाला दे किसे दस्ते दुआ मिलता नहीं। मांगे तो सही कोई, अकबर इलाहाबादी कहता है खुदा से मांग जो कुछ मांगना हो ए अकबर, यही वो दर है कि जिल्लत नहीं सवाल के बाद। हर दरवाजे से धक्के मिलेंगे, उस दरवाजे से धक्का नहीं मिलता। कुरान कहता है यूनुस अलैहिस्सलाम को हमने बाहर निकाला परवरदिगार के, लेकिन साथ है कानून बयान कर दिए, लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, ये भी सुन लो दुनिया वालों, हमने अपने नबी के साथ भी अपना कानून
पूरा किया। लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर ये बात ना होती मछली के पेट में पहुंचकर यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे दरवाजे पर दस्तक ना देते, वहां भी हमें ना पुकारते, इल्तिजाएं हमारे दरवाजे पर ना करते। अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, हमारी अजमत ना बयान करते, हमारी पाकी ना बयान करते। क्या मतलब? यूं ना कहे ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक, या अल्लाह तू ही मुश्किल कुशा है, तू ही हाजत रवा है, मुझे हाजत रवा और मुश्किल कुशा न मानते और न मुझसे मांगते, मुझे सुभान न मानते न तस्लीम करते, हर ऐब से पाक हूं, हर कमजोरी से पाक हूं, हर खामी और हर नक्श से पाक हूं, हर खूबी हर कमाल हर अजमत बढ़ाई मेरी जात में जमा है। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में इस बात का इतराफ न करते, लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन लालबिसा फी बत्नही इला यौम युबासून, तो हम मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम को क्यामत की सुबह तक छोड़े रखते। दोस्तों, अगर किसी इंसान की कही ये बात होती तो हर इंसान को हक था कि रद्द कर देता, लेकिन खुदा की एक बात को रद्द नहीं कर सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि इस इंसानियत ने खुदा की किताब को नहीं देखा। एक आज की जिम्मत खुदा की किताब पर आ जाती तो हक और बातल की तमीज हो जाती। बाकी बातें फिर करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो शेर की हकीकत पूरी तरह समझाई नहीं गई।